इसमें हमें पॉलीथीन भरनी है और बिल्कुल टाइटली भरनी है ताकि पानी इसमें जब हम इसको धोएं तो इसमें पानी ना भर पाए। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 4 मोती और आप कलर कोई भी अपनी पसंद से ले सकते हैं। मेरे पास अभी वाइट रंग के थे तो मैंने यही बना रही हूँ। फिश तो कई कलर की होती हैं तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने 4 मोती ले लिए हैं। जो हमारा पहला मोती है उसमें डालकर 4 का सेट तैयार करना है और ये हमारा एक सेट तैयार हो गया है 4-in-1 का। इस तरीके से हमें 4 सेट बना रहे हैं। तो अब जैसे एक मोती हो गया, हमें 3 मोती लेकर, ये देखिए एक मोती ऑलरेडी हमारे पास उसमें से है, तो 3 मोती लेकर जो हमारा मोती है उसी में निकाल लेंगे सुई, तो हमारा दूसरा जो सेट है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, और प्लास्टिक वायर है तो थोड़ा टाइट करते हुए उसको बनाए। ये देखिए, मैंने ये चारों तैयार कर लिए। और इसकी जब हमारे 4 हो गए हैं ये मोती, तो इसी तरीके से हमें ऊपर वाले में 6 बनाने हैं। तो 4 तो इसके ऊपर ही बनेंगे और एक एक साइड में और बन जाएंगे। ये देखिए, एक सेट मैंने इसी के ऊपर बनाया है, तो अगला हम इस तरफ वाले मोती भी बना लेंगे ताकि हमें सुई ज़्यादा घुमानी ना पड़े। और बाकी यहाँ पर 2 मोती जैसे साइड के मिल जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, तो 2 मोती डाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि अगले मतलब 2 कैसे बनाने हैं। 4 सेट साइड के हमारे 2 मोती हमें मिल जाते हैं, तो 2 मोती और डालकर 4 का सेट तैयार करना है। तो इसी तरीके से साइड वाला भी बना लेंगे, 6 मोती हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर हमें इसी तरीके से और लाइन, मतलब 6 के बाद हमें 2 और, मतलब 8 की लाइन बनानी है। 2 दोनों तरफ और बढ़ जाएंगे, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो एक तरफ हमें इसकी आँख और मतलब इसका मुँह बनाना है, फेस। तो उसके लिए हम आँख अभी बना लेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसी मोती पर पहले हम एक काला और 2 सफ़ेद मोती ले लेंगे। जिससे हमारी जो आँख है यहाँ पर अभी बन जाएगी। अगर आपकी सुई इस तरफ निकल रही है फ्रंट साइड में, ये देखिए है ना, मेरी सुई इस तरफ निकली थी तो मैंने पहला ब्लैक ले लिया है। अगर आपकी सुई इस तरफ निकलेगी बाहर की साइड, तो आप पहले 2 वाइट लें और फिर एक ब्लैक मोती ले लें। अब इसको घुमा के मैं इस तरफ लेकर आऊँगी, मुझे इसका फेस बनाना है। तो फेस के लिए मैं एक लूँगी, मतलब 3 मोती लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर 4 का सेट बनाना है। तो रेड मुझे सेंटर में करना है, फेस के लिए मैं रेड ले रही हूँ। ये देखिए, एक वाइट, रेड और वाइट। अब इसको फिर से टक करके इस तरफ लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ की पट्टी कंप्लीट करनी है, 4-4 का सेट पूरा वहाँ तक कंप्लीट करना है। ये देखिए, मैं सुई घुमाकर यहाँ पर ले आई और 2 मोती डालकर 4 का सेट यहाँ भी बनाना है। इसी तरीके से 2-2 मोती डालकर एंड तक मुझे ऊपर के जो 8 मोती हैं वो हमें 8 सेट जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। वो मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और रसोई को हर बार घुमाते हुए टाइट करके फिर ले जाना है। ये देखिए, कंप्लीट हो गया है। और इसके ऊपर भी हमें इसी तरीके से बनाना है। और बस इस बात का ध्यान रखिए, जो फेस के ऊपर है उसके ऊपर हमें बढ़ाना नहीं है, सिर्फ हमें जो पूंछ की तरफ है। ये देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो गया है ना। बस यहीं से हमारा इसी तरीके से एक और बनानी है लाइन, मतलब एक साइड ही हमें कम बढ़ाना है, दूसरी साइड बढ़ाना नहीं है फेस की तरफ। यहाँ पर हम इसकी अब बनाएंगे पूंछ। ये देखिए, पूंछ के लिए मैंने यहाँ पर 3 मोती बना लिए हैं, लास्ट के जो 2 मोती हैं उसी पर। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे 3 बनाकर, अब यहाँ पे मुझे सिर्फ सिंगल 3 बनाने हैं और 3 आगे की तरफ बनाने हैं, 3-3 मोती डालकर। ये देखिए, यहाँ हमारी ऊपर की जो पूंछ है वो तैयार हो गई है। बस अब इसी तरीके से हमें
एक पार्ट और बनाना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक इसके पंख बना लेंगे कि जोड़ने के बाद फिर हमें दिक्कत होती है। तो यहाँ पर लाल मोती से हम इसके पंख बनाएंगे। इसके लिए जो लास्ट वाले इसके तीन मोती है ना, उसी के ऊपर पांचवे मोती पे हम बना लेंगे। काउंट कर लें, ये रहा पांचवा मोती। ये देखिए इसमें मैंने तीन लाल मोती डाल लिए हैं, और इसके जो साइड के हैं वैसे ही बनाने हैं दो मोती डालकर। ये जो नीचे वाला मोती है ये देखिए, ये एक तीन का चार का सेट बन गया। एक और दो का मोती डालकर ये देखिए ऊपर वाले में भी मैंने बीच वाले में तीन मोती डालकर इसका पंख, सिंपल है बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से ये देखिए बना लिए। मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। दोनों पार्ट में बस इस बात का ध्यान रखिए पंख हमें ठीक से देख कर लगाने हैं, वरना दोनों एक ही सेट बन जाएंगे तो जोड़ने में दिक्कत होगी। ये देखिए एक का इस तरफ और एक का उस तरफ। अब हमें इसको जोड़ना है, तो मैं नीचे की तरफ थोड़ा खुला रखूँगी फीलिंग के लिए, और ऊपर से जोड़ दूंगी बाकी चारों तीनों साइड से इसको जोड़ दूंगी। तो जोड़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल एक मोती लेना है। और एक सेकंड मैं आपको भी दिखाती हूँ नज़दीक से। इसको थोड़ा टाइट कर लें, और एक मोती डालना है दोनों पार्ट्स के जो बराबर है ना। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, एक मोती मैंने डाला फिर साइड वाले मोती में डाला। चार चार का सेट ही बनाना है। अभी नीचे है तो आप आसानी से देख पा रहे हैं, जब आप बनाएंगे तो समझ जाएंगे। एक सेकेंड, ये देखिए है ना, अभी चार का सेट हमारा तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से जी स्ट्रेट है तो इजी आपको पट्टी जैसा दिख जाएगा, लेकिन जब क्रॉस लाइन आती है तो एक स्टेप बाय स्टेप ही दिखते हैं बिल्कुल। एक मोती अंदर की तरफ जाता है, एक बाहर की तरफ आता है। ये देखिए मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, अब ये अंदर की तरफ क्रॉस है तो एक मोती मेरा अंदर चला गया है वो आपको दिख। हाँ ये देखिए इसको टाइट करेंगे तो ये बिल्कुल अंदर चला जाएगा। ये देखिए है ना, अब ये इधर मैं अगर सुई घुमाकर लाऊंगी तो एक मोती में बाहर की तरफ आएगा। तो सुई को चारों मोतियों में घुमा लेते हैं और अगले जो मोती है वहाँ पर लेकर आते हैं। ये देखिए है ना, ये हमारा एक चार का सेट तैयार हो गया। अब अगला हमारा, यहाँ पे तीन मोती ऑलरेडी है तो बस हमें एक मोती और डालना है। इसी तरीके से सारे बनाते जाएंगे। ये देखिए ये भी हमारा एक चार का सेट तैयार हो गया है ना, एक ही मतलब खड़े में और एक बैठे में है। यहाँ पर जब मुंह की तरफ अगर हम आएंगे तो हमें यहाँ पे चारों मोती लाल ही लेने हैं है ना, क्योंकि फिश का जो चेहरा होता है मुंह वो थोड़ा गोल सा होता है। ये देखिए, और जब आप पूंछ की तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत थोड़ा छोटा है भाग, तो थोड़ी सी पॉलीथीन आप पहले ही भर दें, वरना वहाँ तक को जो कैंची या कुछ भी अपनी नहीं जा पाती है ना। तो अब इसके ये नीचे तक आ गया है, अब इसमें हम पॉलीथीन भर देंगे। बस इस बात का ध्यान रखिए पॉलीथीन इतनी टाइट थोड़ी हल्की सी भरें, ताकि जब हम धोते हैं ना उसे तो पानी अंदर भरा ना रह पाए। बस कुछ जगह स्पेस नहीं होनी चाहिए उसमें कुछ भी। तो थोड़ी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से सारे कॉर्नर तक कैंची या पेंसिल या कुछ पेन, खराब पेन जो आपके पास पड़े हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ी सावधानी से, ज़्यादा ओवर भी नहीं भरनी है वरना वो लूज़ हो जाए या उसकी वायरिंग दिखने लगे। इसको पैक कर देना है, इसमें थोड़ी और जगह है तो मैं इसको थोड़ी और भर देती हूँ। और बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कट करके तब भरें, क्योंकि बड़ी में क्या फोल्ड ज़्यादा आ जाते हैं तो वो ठीक से नहीं भर पाती है, और छोटी छोटी भरने से क्या सॉफ्टनेस भी रहती है और वो अच्छे से सभी जगह भर जाती है, चली जाती है, मतलब कॉर्नर में थोड़ा फेस की तरफ और पूंछ की तरफ उसे अच्छे से भर दें हल्के हल्के हाथ से। ये देखिए अब जो हमारे नीचे का जो सेंटर है इसको भी मैं एक एक मोती डालकर कंप्लीट कर लूँगी। देखिए ये हमारी फिश अब कंप्लीट हो चुकी है, और इसको थोड़ी मतलब खड़े करने के लिए अब हम फिश के पैर तो बना नहीं सकते, तो बस थोड़ा हल्का सा सपोर्ट करने के लिए ताकि ये आराम से खड़ी हो पाए। तो यहाँ पर तीन तीन मोती डालकर साइड में जो है यहाँ पर इस तरीके से हम इसका स्टैंड बना देंगे। ये देखिए है ना, साइड वाले जो मोती हैं उन सब में बस तीन तीन मोती डाल के हमें अपना जो धागा है डबल घुमा देना है, और हमारी फिश बनकर तैयार है। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि फिश कैसी बनी है।
इस फिश को आप अलग अलग कलर में भी बना सकते हैं, क्योंकि फिश तो मल्टी कलर में भी होती है, तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप फिश बना सकते हैं, कलर का चॉइस आप कर सकते हैं। इसको आप दो में भी बना सकते हैं जोड़े में, मैं अगली वीडियो में उसको आपको दिखा दूँगी और एक्सप्लेन कर दूँगी कि किस तरीके से आप इसका जोड़ा बना सकते हैं, है ना। तो ये देखिए फिश बहुत प्यारी लग रही है, सिंगल भी, डबल और भी अच्छी लगेगी। इससे आप की चेन भी कुछ भी बना सकते हैं, इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हेल्दी रहें।